Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welcome to Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. I am Omi Muhammad and today we are going to solve the exercise of poem My Playmate from New Oxford Modern English Book 3 and it is the third edition of this book. It's poems related it's books related. It's very important and I will link it in the, link, you the description. तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए अपने ब्लॉग विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड एंड केस ऑफ एनी कमेंट थ्योरी और सजेशन रिलेटेड टू माई कंटेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो और अगर अपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं

बी इट इज़ द प्लेट कम टू प्ले वन इट इज़ नॉट ट्रेनिंग क्या प्लेमेट उस वक्त आता था जब बारिश नहीं होती थी सी इन वट पोजिशन इज द प्लेमेट एट ऑल टाइम और हर वक्त जो प्लेमेट है वो किस पोजिशन में रहता था उसका जो पोस्टर था वो कैसा था डी वट मेक्स द बॉडी फील सॉरी वट्स मेक द बॉय फील सैड और uh, क्या वजह थी जिसकी जिससे वो लड़का उदास महसूस करता था ई वाई डज़ द स्पीकर थिंक द प्ले मेट लिवस इन एन लैंड और स्पीकर या जो पोएम लिखने वाला है जो पोएम में बात कर रहा है या जिस कैरेक्टर uh, की तरफ से ये पोएम लिखी गई है यानी उस बच्चे की तरफ से तो वो क्यों ऐसा सोचता था कि ये जो प्ले मेट है ये किसी और दुनिया में रहता है द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए द प्ले मेट कम्स टू प्ले ऑन अ रेनी डे वेन देयर आर पडल्स ऑन द ग्राउंड B no the playmate only comes on a rainy day C the playmate is upside down at all times D the boy feels sad when he has to tread upon his playmate's feet E the boy thinks the playmate lives in another land because he never hears him speaking the next question is question number 2 answer the questions about this line taken from the poem poem se ek line select ki gayi hai आई रियली विश यूड टॉक टू मी ये लाइन फोएम से ली गई है और इससे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन दिए गए हैं टू क्वेश्चन हैं हमारे पास ए हु इज़ टॉकिंग अबाउट होम यहाँ पे कौन किसके बारे में बात कर रहा है इस लाइन में एंड भी है वट रीज़न डज द स्पीकर गिव फॉर विशिंग दिस और ऐसी विश करने के लिए या ऐसी तमन्ना करने के लिए स्पीकर ने क्या रीज़न दिया है क्या वजह बताई है द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए दॉ इज टिंग अबाउट द प्लेमेट द रिफ्लेक्शन एंड बी इज बिकॉज द प्ले मेट लुक्स सो वेरी काइंड एंड स्माइल्स बैक और नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ंग क्वेश्चन सवाल पूछना कुछ रीडर्स एस्क क्वेश्चन अबाउट द टेक्सट अच्छे रीडर्स या अच्छे पढ़ने वाले अच्छे मुता करने वाले लोग होते हैं जो किसी भी टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कमिंग अप विद क्वेश्चन ऑन आर ओन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अ टेक्सट इवन मोर जब हम किसी भी टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसको समझने में मदद मिलती है वन वे ऑफ एसकिंग क्वेश्चन इज बाई यूजिंग द वर्ड्स डब्ल्यू एच यानी डब्ल्यू एच स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन पूछें एक तरीका ये है दीज आर यूज टू एस क्वेश्चन इन वर्ड को सवालत पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स हमें केवन है बॉक्स में फाइव वर्ड्स हैं हु वट वेन वेयर एंड फाइव एग्जाम्पल केवन है Who, what, when, where, वेर आर माई कीज मेरी चाबियाँ कहाँ हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास रीड द टेक्स एंड सी इफ यू कैन कम अप विद क्वेश्चन अपने टेक्स्ट को पढ़ना है जो पोएम गिवन है उसको रीड करना है और उसके बाद देखना है कि क्या आप भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं उस पोएम के बारे में एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक दी दी गई है हु इज़ द बॉय टॉकिंग अबाउट इन द पोएम ये लड़का पोएम में किसके बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन बनाया है इस वह से आपने भी क्वेश्चन बनाने हैं और वर्ड्स हम ये यूज़ करेंगे जो बॉक्स में गिवन है फाइव वर्ड्स हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई सबसे पहला वर्ड है हु लेकिन एग्जांपल में हमें ये वर्ड यूज़ करके बता दिया गया है तो हम नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम व्हेन द बॉय फील्स सैड वेयर इज़ द प्लेमेट माय प्लेमेट इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन इसी तरह से आप पोएम से रिलेटेड और क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी वर्किंग विद वर्ड्स क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास वट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर आप क्या सोचते हैं कि ये क्या है हमें जो मंदरजा जल जुमले दिए गए हैं या चीज़ें दी गई हैं दे आर ऑल कॉमन नाउन ये कॉमन नाउ्स हैं हमने गेस करना है सेंटेंसेज या डिस्क्रिप्शन हमें गिवन है फर्स्ट रीड करते हैं समथिंग विच ग्रोज एंड हैज लीव्स एंड ब्रांचेस कोई चीज़ जो उगती है और उसकी शाखें और पत्ते होते हैं बी समथिंग मेड ऑफ लेदर विच ग्रोज ऑन ऑन द फीट कोई लेदर यानी चमड़े से बनी चीज़ है जो हम पाँव में पहनते हैं सी सम थिंग टू मेक क्लॉथ्स फ्लैट एफ्टर वाशिंग थेम कपड़ों को धोने के बाद कोई चीज़ है जो कपड़ों को बिल्कुल फ्लैट कर देती है रिंगल्स ख़त्म कर देती है उसमें से डी है सम पीपल वेयर दिस ऑन देअर नोजेज टू हेल्प दैम सी बेटर और कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग अपने नाक के ऊपर रखते हैं और उससे उनको देखने में मदद मिलती है ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकता है तो ये चीज़ें हैं एटरी बी शू सेंडल्स बूट्स लिपर्स कुछ भी कह सकते हैं सी है आयरन एंड डी एज अ पेयर ऑफ क्लासेस और स्पेक्टिकल्स दोनों वर्ड्स यूज होते हैं क्लासेज के लिए चश्मा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टू है होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम होमोफोन्स ऐसे वर्ड हैं जिनका साउंड जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है एक जैसी होती है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स लेकिन उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स दोनों ही डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल सन एंड सन स्पेलिंग भी डिफरेंट है एक में ओ है एक में यू है और मीनिंग भी डिफरेंट है एक बेटे के लिए यूज़ होता है और एक सूरज के लिए यूज़ होता है लेकिन प्रोनाउंस इनको बिल्कुल सेम करते हैं और इसका मीनिंग हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही लेते हैं जब हम सेंटेंस पूरा कम्प्लीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा सन किस कि सन के बारे में बात हो रही है बेटे के बारे में बात हो रही है या सूरज के बारे में बात हो रही है कैन यू टेल द डिफरेंस इन द वर्ड्स गिवन बिलो नीचे कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं और ये भी होमोफोन्स ही हैं क्योंकि इनको भी हम सेम तरह से ही प्रोनाउंस करेंगे लेकिन हमें इनका डिफरेंस बताना है इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देनी है कि क्या है ए है वंडर एंड वॉन्टर बी साइट एंड साइट सी फ्लावर एंड फ्लावर दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं वॉन्डर सरप्राइज टू बी अमेज और इन एडमरेशन सेकेंड वर्ड है ओ की बजाय ए के साथ टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट पर्पज और नॉन डेस्टिनेशन बी साइट द एबिलिटी टू सी एंड एस आई टी ई साइट प्लेस एंड एरिया और लोकेशन सी है फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड एंड फ्लावर एंड प्लांट्स यानी फूल जिसको हम बोलते हैं And last is flour. Flour is a powder made by grinding raw grains. Article ये वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में। The next topic is collective nouns. Question number three है. Collective nouns are nouns that refer to a group of people and things as one. ये ऐसे नाउंस हैं जिसमें हम किसी ग्रुप के बारे में बात करें होते हैं, उनको एक के तौर पर बोलते हुए. These are common words or uh, sorry for collections in English. For example, a herd of cattle. का एक जो रिवर्ड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्राई टू यूज़ दे इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन नीचे में कुछ वर्ड्स गिवन है और इनको हमने अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है वर्ड्स है हमारे पास आर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स अ फ्लॉक ऑफ कीज अ स्व ऑफ बीज एंड अ क्राउड ऑफ पीपल सबसे पहला वर्ड है हमारे पास आर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वाज अंडर हिज कमांड नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ कीज फ्लाइंग साउथ फॉर विंटर अ स्वर्म ऑफ बीज इज बिल्डिंग अ हाइव and last is there was a great crowd of people blocking our way the next section of exercises is section 3 learning about language zaban ke bare mein seekhna articles using the a uh, and an in the words ka use hum seekhenge yahan pe note that we use the before nouns that are familiar or have been introduced already तो हम तब use करते हैं जब हम ऐसे nouns के बारे में बात कर रहे हो जिनको हम जानते हो या मशहूर लोगों के या मशहूर जगहों के बारे में या फिर उस नाउन को हम ऑलरेडी उस टेक्सट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके हों जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हों तो उसके बारे में भी हम दा यूज़ करते हैं जब हम दोबारा बात करेंगे एग्जाम्पल है वी वेंट टू सी अ फिल्म द फिल्म वॉज एक्साइटिंग चूंकि फिल्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी गई है फर्स्ट सेंटेंस में तो सेकेंड सेंटेंस में हम फिल्म के साथ द यूज़ करें हैं वी ऑल्सो यूज़ द वन द नाउन वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ द ओनली वन और द हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है और वन दैट इज़ वेल नोन या फिर वो एक ऐसा है जो कि बहुत मशहूर है या जिसको सब जानते हैं जाना पहचाना है मरूफ है एग्जाम्पल है द कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया द सी द स्काई द डॉक्टर द पोस्ट ऑफिस वी यूजली यूज़ द बैंक ये सभी इसकी एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल ए एन उड़दा हमने ए एन उड़दा को यूज़ करना है इन ब्लैंक्स uh, में डीज करते हैं Ali lives in Dash Old House in Dash Big City. Ali's house has Dash Small Garden. Ali does not have Dash brother or Dash sister. He is Dash's only child. One day Ali was playing in Dash garden when Dash Stranger came to the gate. Dash stranger tried to talk to Ali. Ali quickly went inside Dash House and got Dash adult. Ali knows that he should not talk to strangers. इस टेक्स्ट के अंदर हमें टोटल सिक्स लाइंस गिवन है और मैंने इसको जब फिल किया है तो लाइंस के अकॉर्डिंग ही इनको नंबर दे दिए हैं इस तरह से फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट ब्लैंक में हम फिल करेंगे एन सेकेंड में ए और थर्ड में भी ए सेकेंड लाइन में या सेकेंड सेंटेंस में दोनों ब्लैंक्स के अंदर ए और ए फिल करेंगे थर्ड में द फोर्थ में फर्स्ट ब्लैंक में अ और लास्ट में द एंड फिफ्थ में फर्स्ट में द और सेकेंड में एन यूज़ करेंगे और सिक्स सेंटेंस में कोई भी ब्लैंक नहीं है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू वी यूज़ अ और एन विद सिंगुलर नाउन्स जब भी नाउन सिंगुलर होगा एक होगा वाहिद होगा तो हम ए और एन को यूज़ करेंगे सिर्फ ये देखते हुए कि अगर वो वॉल से स्टार्ट हो रहा है या वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ कर लेंगे और कॉन्सेंट से होगा तो ए यूज़ कर लेंगे वी यूज़ सम फॉर फ्लूरल्स और जब प्लरल नाउन की बात हो रही होगी तो हम सम यूज़ करेंगे और व्हेन वी डू नॉट नो हाउ मैनी दियर आर या फिर जब हमें पता नहीं होगा कि नाउन जिसके बारे में बात हो रही है वो कितने हैं तो भी हम सम यूज़ कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और सम अब यहाँ पे सिक्स प्लैंक्स की वजह हमने ए एन और सम का वर्ड यूज़ करते हुए इनको फिल करना है ईट कर लेते हैं डैश कैट डैश पीपल डैश कंट्रीज़ डैश ऑस्ट्रिच डैश एग एंड डैश मैप यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक ए में हम फिल करेंगे अ कैट बी मे एन सी मे समी मे एन ई मे अगेन सम एंड एफ मे आम एफ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन वर्ड्स दिस दैट दीज दो नॉन एज डायरेक्शन वर्ड्स इन वर्ड्स को हम डायरेक्शन वर्ड्स बोलते हैं यूज़ दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू एस जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है और हम एक गरीबी चीज़ के बारे में बात करें होते हैं तो उसके लिए हम दिस या दिस का वर्ड यूज़ करते हैं एंड देट इन दोज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट और दोस्त का वर्ड हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए एट डिस्टेंस अवे फ्राम अस जो हमसे कुछ फासले पर होती है। कुछ पर हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के हमारे पास चूज थे ईच इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन जिनके हमें फोर सेंटेंसेज के बने में से हमें चूज भी करना है और उसके बाद हमने दिस दैट दिस और दोस्त को अपने सेंटेंसेस में भी, भी यूज़ करना है पहले हम इन सेंटेंसेज को देख लेते हैं फर्स्ट है दिस और देट स्टेडियम और दियर इज़ वेरी बिग बी दिस और दैट फूड ऑन माई प्लेट टेस्ट गुड सी दीज और दोज बुड्स एट द टॉप ऑफ द क्लाजेट आर वेरी ओल्ड डी कैन यू पैस दीज और दोज शीट्स टू एवरी वन आपने अब चूज़ करना है कब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे दिस दैट दीज या दोज यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस में हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे सेकेंड में, में दिस सी में दोज एंड डी में दीज का वर्ड यूज़ करेंगे और अब हम इन्हीं फोर वर्ड्स को यूज़ करते हुए खुद से सेंटेंसेज बनाएंगे फर्स्ट सेंटेंस है दैट ट्री ओवर देअर इज़ वेरी शेरी

अ मॉथ इज नॉट अ मॉथ इन मदर और सॉरी नॉट ब्रॉथ इन ब्रदर सी शी स्यूज ही ब्लू एज इच यूड कम द्र्यू ड्रियो अव ब्रियो फ्रॉम द स्ट्यू यानी काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं बिल्कुल टंग ट्विस्टर की तरह है और उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से रीड कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर टू है लिसन केयरफुली एंड से डीज वर्ड्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन हैं इनको अपने रीड करना है Crack, crown, crab, drill, dry, drip, frog, fry, frill, green, grass, and grill, train, tree, trunk, skip, skin, skill, slam, slip, spot, spin, swim, and swing. Question number three here. पास little boy in the poem sees himself in the puddle. Poem में जो लड़का था उसने आपको puddle में देखता था. We use mirrors हम आइने का इस्तेमाल करते हैं. Look at ourselves अपने आप को देखने के लिए. टॉक अबाउट वट दीज चिल्ड्रन आर डूइंग आप बात करें इन बच्चों के बारे में जो पिक्चर में दिखाई गए ये क्या कर रहे हैं टॉक अबाउट वट यू डू टू गेट रेडी इन द मॉर्निंग सबसे पहले हम पिक्चर्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं लड़की है जो कि अपने दांत ब्रश कर रही है इसके बारे में हम एक सेंटेंस लिखेंगे द गर्ल इज़ ब्रशिंग हटीथ दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं एक बॉय है जो अपने बात ब्रश कर रहा है तो द बॉय इज़ ब्रशिंग हिज हेयर आप ख़ुद भी रेडी होने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उसके बारे में आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं सुबह के वक्त स्कूल आने के लिए जब आप ड्रेसिंग कर रहे होते हैं अपने आप को मिरर के सामने तो आप वो सब लिख सकते हैं अपने बारे में आई ब्रश माई टी ब्रश माई हेयर तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई कंपोजिशन डू यू हैव अ फ्रेंड क्या आपका कोई दोस्त है हु इज इट कौन है मेक अ चार्ट इन योर नोटबुक अपनी नोटबुक पे एक चार्ट बनाना है एंड फिल इन फिल इट इन लाइक द वन बिलो अबाउट योर फ्रेंड जैसे नीचे फिल किया गया कि ऐसे आप अपने फ्रेंड के बारे में फील करना है ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड इन द मिडिल और मिडिल में आप अपने फ्रेंड की एक पिक्चर ड्रा करनी है दैन राइट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ और सारी इन्फॉर्मेशन को आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं योर कॉमन इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ आपकी जो कॉमन इंटरेस्ट है हॉबीज़ है उनके बारे में बात करिए योर फेवरेट पास टाइम विद हिम हर उसके साथ आपका फेवरेट पास टाइम क्या है वक्त गुजारने के लिए आप लोग क्या करते हैं गेम्स खेलते हैं या रीडिंग करते हैं नेक्स्ट है ड्रॉ स्टिक योर फ्रेंड्स पिक्चर आपने ड्रा करनी है या स्टिक यानी चिपका देनी है उसकी पिक्चर नेक्स्ट बॉक्स में है बेसिक इंफॉर्मेशन नेम एज वेयर ही शी स्टडीज़ अपने फ्रेंड का नेम बताना है एज बतानी है और ये बताना है कि वो कहाँ पे स्टडी करते हैं यानी आप सेम स्कूल में है या डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं लास्ट है वर्ट यू लाइक डिसलाइक अपने डिसलाइक और लाइक को बताना है अबाउट हिम और हर उसके बारे में यानी उसके और आपके लाइक्स और डिसलाइक्स कितना मैच करते हैं इस तरह से इसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेना है नेक्स्ट पेज पर हमें एक प्रजेंटेशन गिवन है शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू प्ले आउटसाइड ऑन रेनी डेज क्या बच्चों को बारिश के दिनों में बाहर खेलना चाहिए थिंक अबाउट दिस इसके बारे में सोचें एंड राइट और लिखें डाउन एंड राइट डाउन सम रीज़न्स और कुछ आपने वजूहत बतानी है वट यू थिंक जो भी आपने सोचा है उसके बारे में कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट और आपने इस तरह से रीजनिंग करनी है कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने वजह बतानी है और अगर नहीं खेलना चाहिए या बच्चों को डेंजरस है उनके लिए ठंड में बाहर जाना या कीचड़ में खेलना तो आप उसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स लिख सकें वट इज़ अ डिबेट ये डिबेट क्या होती है तकरीर क्या होती है अ डिबेट इज़ एन ऑर्गेनाइज डिस्कशन एक ऑर्गेनाइज डिस्कशन होती है इन अ डिबेट टू साइड्स टेक डिफरेंट व्यूज़ डिबेट में दोनों साइड के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं फॉर और अगेंस्ट जो किसी भी टॉपिक के हक में होते हैं उसके फेवर में होते हैं या फिर उसके अगेंस्ट होते हैं और अ पॉइंट ऑफ व्यू और इशू किसी भी खास इशू पर जिस बारे में डिबेट हो रही होती है वन ग्रुप एक ग्रुप कॉल द प्रोपोजिंग ग्रुप उसको प्रोपोजिंग ग्रुप कहा जाता है स्टेट्स आ व्यू वो एक अपना व्यू बताता है द अदर ग्रुप अपोजिट से दूसरा ग्रुप उसकी मुखालफत करता है डिबेट्स आर केयरफुली प्लान और डिबेट्स को बहुत केयरफुली बहुत मतहत अंदाज में प्लान किया जाता है मनसूबाबंदी की जाती है हाउ डू अज अ डिबेट वर्क डिबेट कैसे काम करती है अ चेयर पर्सन यू टीचर मैनेज़ द डिबेट जो एक चेयर पर्सन होता है वो मैनेज करता है इसको सो द बोथ साइड्स गेट टू स्पीक एंड रिस्पोंड इस वजह से दोनों जो पार्टीज होती हैं दोनों ग्रुप्स होते हैं उनको बोलने का रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है समटाइम्स टाइम कीपर इज़ यूज टू स्टॉप पीपल फॉर स्पीकिंग फॉर टू लॉन्ग और बाजुका टाइम कीपर का भी यूज़ किया जाता है ताकि सबको बोलने का मौका मिल सके एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन ना करे द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ग्रुप स्टेट्स देयर व्यू पहला जो पर्सन है पहला शख्स है वो एक ग्रुप में से अपना व्यू बताता, बताता है अपना नज़रिया बताता है एंड गिव्स अ रीज़न टू सपोर्ट इट और उसके हक में बोलने के लिए एक वजह बताता है कि हम इसकी साइड क्यों ले रहे हैं या इसकी फेवर हम क्यों ले रहे हैं इस टॉपिक की अ पर्सन फ्रॉम द अपोजिंग साइड और जो मुखालफ तरफ है उससे वहाँ से भी एक शख्स आता है रिस्पॉन्ड टू द पॉइंट वो इस पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करता है नेक्स्ट है अनदर पर्सन फ्राम द अपोजिंग साइड स्टेट्स देयर व्यू एंड गिव्स अ रीज़न फॉर इट फिर मुखालिफ साइड से दूसरा शख्स आता है जो कि अपना रीज़न बताता है इसकी मुखालफत करने के लिए आ स्पीकर फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द पॉइंट फिर फर्स्ट ग्रुप में से एक स्पीकर उसके पॉइंट को रिस्पॉन्ड करता है जवाब देता है दिस कंटिन्यूस ऐसा चलता रहता है अनटिल ऑल द ग्रुप मेम्बर्स है यहाँ तक कि सभी ग्रुप मेंबर्स अपने पॉइंट बना लेते हैं द ग्रुप मेंबर्स टेक इट इन टर्न्स टू स्पीक और तमाम ग्रुप मेंबर्स बारी बारी बोलते हैं द साइड्स टेक इट इन टर्न टू स्पीक और दोनों ही ग्रुप्स अपनी बारी पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्लान फॉर योर डिबेट अपने डिबेट को प्लान करें टीचर विल द क्लास इन टू ग्रुप्स फोर टू सिक्स पीपल आपकी टीचर डिवाइड कर देंगे ग्रुप को फोर से सिक्स लोगों के ग्रुप में इच ग्रुप विल बी विद अनदर ग्रुप हर ग्रुप को पेयर किया जाएगा दूसरे ग्रुप के साथ वन विल बी द प्रोपोजिंग ग्रुप इनमें से एक प्रोपोजिंग ग्रुप होगा एंड दिल बी द अपोजिंग ग्रुप और दूसरा मुखालफत करने वाला ग्रुप होगा अपोजिंग होगा इन योर ग्रुप आपके ग्रुप में थिंक अबाउट दिस प्रोपोजल इस प्रपोजल के बारे में सोचिएगा कैंटीन शुड नेवर सेल स्वीट्स और जंक फूड आपका टॉपिक है कि कैंटीन में जंक फूड और स्वीट सेल नहीं करने चाहिए रिमेंबर याद रखें द अपोजिंग ग्रुप नीड्स टू थिंक ऑफ रीजन एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस व्यू एंड द अपोजिंग ग्रुप नीड्स टू थिंक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू आपने इस व्यू के बारे में सोचना है ये जो नज़रिया है या ये जो आइडिया आपने दिया है आपने इसके हक में बोलना है और जो अपोजिंग ग्रुप होगा वो इसके मुखालिफ बात करेगा प्लान योर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स को प्लान करें ईच ग्रुप मेंबर शुड हैव अ डिफरेंट क्लियर पॉइंट टू मेक और हर जो ग्रुप मेम्बर है उसके पास एक डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए सेम पॉइंट को सब ने डिस्कस नहीं करना विदाउट सपोर्टिंग एक्सप्लैन और जो आप पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके लिए आपके पास एक सपोर्टिंग एक्सप्लेशन भी होनी चाहिए एग्जाम्पल और रीज़न या फिर कोई मिसाल या वजह होनी चाहिए प्रैक्टिस स्टेटिंग योर व्यूज़ क्लियरली और अपने व्यूज़ को क्लियरली बयान कर सके इस बात की आपने प्रैक्टिस करनी है वन यू हैव प्लान योर पॉइंट्स आप अपने पॉइंट्स को प्लान कर लें थिंक अबाउट वट पॉइंट्स द अदर ग्रुप माई टेक अब इस बारे में सोचें कि दूसरा ग्रुप क्या पॉइंट्स ले सकता है या किन पॉइंट्स पर बात कर सकता है हाउ विल यू आर्ग्यू अगेंस्ट दो पॉइंट्स और उन पॉइंट्स पर आप किस तरह से आर्ग्यू करेंगे उनसे following hints माइट हेल्प यू विद योर प्लानिंग नीचे कुछ हिंट्स हैं और ये प्लानिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं पहले बॉक्स में फॉर स्वीट्स आर बैड फॉर यू टीथ मीठा आपके दातों के लिए बुरा होता है जंक फूड इज़ अनहेल्दी जंक फूड अनहेल्दी होता है चिल्ड्रेन कैन नॉट कंट्रोल दैम जंक बच्चे अपने आप को नहीं रोक सकते सो दीज फूड्स मस्ट बी बैंड तो इस फूड को बैंड कर देना चाहिए यानी अगर कैंटीन में मिलेंगे तो बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे चिल्ड्रन नीड हेल्दी फूड टू हेल्प देम टू कॉन्सन्ट्रेट बच्चों को हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी स्टडीज पर कॉन्सनट्रेट कर सकें यानी जब वो अनहेल्दी फूड खाएंगे तो उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी जिसकी वजह से फोकस नहीं कर सकेंगे दूसरे बॉक्स में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वे हैं अगेंस्ट समीट्स और जंक फूड्स गिव अर्स अलॉट ऑफ एनर्जी कुछ जंक फूड स्वीट्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है बिच चिल्ड्रेन इन स्कूल नीड बिकॉज और यहाँ पे आपने रीज़न बताना है अपना कि बच्चों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है स्वीट्स टेस्ट नाइस स्वीट का टेस्ट बहुत अच्छा होता है सम जंक फूड ओकेजनली इज़ ए ट्रीट और कभी कभार जंक फूड खा लेना कोई बुरी बात नहीं है बड़ी ट्रीट है आपके लिए तो एक और इसके बारे में भी आपने अपना कुछ और रीज़न्स भी इकट्ठे करने हैं बैनिंग थिंग्स मेक दैम सी मोर इंटरेस्टिंग दैन दे आर और जब किसी चीज़ को बैन कर दिया जाता है तो आप ज़्यादा ही आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो इसके बारे में आपने कुछ रीजन्स या कुछ देनी है लास्ट है हमारे पास वेन प्लानिंग टाइम इज़ ओवर द प्लानिंग टाइम खत्म हो जाए इट इज़ टाइम टू डिबेट और अब मौका है कि डिबेट या तकलीर स्टार्ट की जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो चूज़ किया गया यहाँ पे और इसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं और डिबेट से पहले आप अगर अपनी क्लास से इन जनरल एक व्यू भी ले लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें द लास्ट डेट्स क्वेश्चन नंबर वन है वेन इज योर बर्थडे आपका बर्थडे आपकी सालगिरह कब है वैन वी से वन पोजिशन समथिंग इज एट और ऑन आ लिस्ट और वैन वी टॉक अबाउट डेट्स वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स जब हम किसी पोजिशन के बारे में बात करते हैं या किसी लिस्ट के अंदर कोई चीज़ कहाँ पे एलाई कर रही है तो या डेट्स के बारे में बताते हैं तो हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑर्डिनल नंबर्स एंड विद टी एच बहुत से ऑर्डिनल नंबर्स ऐसे हैं जो कि टी एच के साथ एंड होते हैं जैसे टेन है तो so टेन के साथ टी एच टी एन टी एच टेंथ लेकिन uh, कुछ ऐसे हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये टी एच से एंड नहीं हो रहा है डू नॉट एंड इन टी एच नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज राइट द ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स ऑर्डिनल नंबर्स को अपने वर्ड्स में लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट टू दर्डियर्थ यहाँ पर हमें ऑर्डिनल नंबर्स गिवन है और uh, वन से लेकर थर्टी तक हमने इनको स्पेलिंग्स के साथ लिखना है वर्ड्स के साथ लिखना है बी केयरफुल मोहतात रहें विद द वर्न इन रेड रेड कलर में जो है वो टी एच टी एच में उनका एंड नहीं होगा उनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे बाकी वर्ड्स से इसलिए वहाँ पे हमने केयर करनी है केयरफुल रहना है और लास्ट में क्वेश्चन है इज योर बर्थडे आपका बर्थडे का बताया राइट डाउन द फुल डेट ऑफ योर बर्थडे अपने बर्थडे की फुल डेट आपने लिखनी है यहाँ पर हमें टेबल में जो नंबर्स रेड कलर में गिवन थे उनको मैंने रेड कलर में ही स्पेलिंग्स में भी कन्वर्ट किया है वर्ड्स में भी उनको रेड कलर में ही कन्वर्ट किया है और जो ब्लैक में थे उनको ब्लैक में लिखा है यहाँ से आप सभी वर्ड्स के स्पेलिंग्स देख सकते हैं सब के सब ऑर्डिनल नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर होप यू लाइक इट थैंक यू फॉर वॉचिंगल् तक वसल वरम् वर्कू